संस्कृति यूपी के उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर पर। नगर पंचायत और आस के चेयरमैन पर ग्रामीणों ने लगाया गंभीर आरोप। रात में गौवंश नगर अध्यक्ष के कहने पर छोड़े जाने का भी आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा। नगर पंचायत और आस में नवनिर्मित गौशाला में रखे हुए गौवंश को गौशाला के कर्मचारियों के द्वारा रात्रि में गौशाला से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जब ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी तो सभी किसान एकत्र होकर गौशाला के कर्मचारियों से मिलने के लिए पहुंचे, जहां पर दोनों पक्षों में जमकर झड़प होने लगी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी न किसी तरह से शांत करा। नगर के किसानों ने नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश कुमार पर गौवंश को रात में छोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा। किसानों ने बताया कि उनकी खड़ी खेती गेहूं की फसलों को गौवंश लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें उन लोगों के द्वारा जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना की जा रही, जबकि एक सप्ताह पूर्व जिलाधिकारी ने सभी गौवंश संचालकों को निर्देशित किया था कि जिस गौशाला के गौवंश छुट्टा पाए गए तो उन कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इन कर्मचारियों को जिलाधिकारी का आदेश सिर्फ हवा हवाई लग रहा है। जानवर आज जो है क्या हुआ, 50-60 जानवर आज ही अभी निकाल दिए गए हैं। अच्छा, उसी का विरोध आप लोग कर रहे हैं। तो पुलिस आई, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि भाई आप लड़ाई और झगड़ा न करिए, और जो है तो जानवर जितने अंदर हो चुके इतने आज रखो, इसके बाद दूसरे दिन और जानवर जो है वो अंदर कर देना। आप लोग यहाँ क्यों एकत्र हुए थे? एकत्रित साहब मैं इसलिए होते कि हम लोग किसान आदमी हैं भाई, जानवर यहाँ दिन में पहन जाओ रात में ये लोग निकाल देते, इसलिए एकत्रित हुए हैं। अच्छा, मतलब रात में जो है निकाल देते हैं? निकाल देते हैं लोग, यहाँ के टाउन एरिया कर्मचारी लोग जो है निकाल देते, चेयरमैन और योगी मिली भगत। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जानवर जितने छुट्टा जानवर है वो सारे जानवर इसमें बंद किए जाए। अच्छा, सारे बंद किए जाए? जी। जबकि ईओ साहब से बात की, ईओ साहब ने बताया कि जो इनको व्यवस्थित करने में लगे हुए, मुझे समय चाहिए। समय सर जो ना 3 महीने से वो समय ही तो मांग रहे हैं। अच्छा, 3 महीने से तो उनको हम समय ही दे रहे हैं, मतलब पशुओं को जो है छूट दिया जाता है।